आगे बढ़ते हैं। ईएसआई ने विधानसभा चुनावों में इस बार 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग करने के निर्देश दिए। सीओ प्रवीण गुप्ता ने सचिवालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में नए निर्देशों की जानकारी दी और सभी से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बार कोड, QR कोड, नाम या पिता का नाम, वोटर क्रमांक के जरिए हम वोटर लिस्ट में नाम कर सकते हैं पता। सीओ प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नामांकन के अंतिम दिन से 10 दिन पूर्व तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को खर्चे का लेखा जोखा, मॉनिटरिंग, आदर्श आचार संहिता, पेड न्यूज, फेक न्यूज, मतदाता सूची, होम वोटिंग के साथ IT एप्स के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने में प्रतिनिधि भी सहयोग करें। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल शहर के दौरे पर रहे। उन्होंने शहर में जारी विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर शहर की विभिन्न कॉलोनियों में पहुंचे और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। कॉलोनियों की सड़कों पर पर्याप्त जल निकासी नहीं होने के चलते जल भराव की समस्या सामने आने पर कलेक्टर ने हाथों हाथ UIT के अधिकारियों को स्थानीय निवासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि समय पर कार्य पूरा होने से लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे में विकास कार्य त्वरित गति से चले और कोई रुकावट ना हो। इसके अलावा कलेक्टर पोसवाल बड़गांव पंचायत भी पहुंचे और यहां पर निर्माणाधीन 900 मीटर लंबाई और 60 फीट चौड़ाई की सीसी रोड का कार्य का निरीक्षण किया। इसी के साथ कार्य की गुणवत्ता की जाँच भी की और UIT के अधिकारियों को इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान UIT के अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा, अधीक्षण अभियंता अनित माथुर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ओपन संवाद करें और इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और DCP गौरव यादव ने खुले मंच पर आमजन से चर्चा की। इसमें विधानसभा चुनाव, रामदेव रामेला, विजन 2030, ऑपरेशन गरिमा, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ओपन थिएटर, अशोक उद्यान पर जनसंवाद किया। ये पहला मौका था जब पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और DCP गौरव यादव सहित तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आमजन को अपनी बात कहने का मौका मिला। पुलिस कमिश्नर ने घोषणा की पुलिस थानों के स्वागत कक्ष में इन ड्रॉप बॉक्स में 1 से 2 दिन में इन्हें लगाने की व्यवस्था होगी। तो वहीं पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और DCP गौरव यादव के सुझावों पर तुरंत एक्शन लेने का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम में DCP गौरव यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक सिविजनल नामक ऐप की जानकारी भी दी। ये बिल्कुल गलत है, पुलिस का खौफ है। पुलिस कमिश्नर साहब के नेतृत्व में बड़े बड़े तस्करों को, बड़े बड़े अपराधियों को जो अपनी धरपकड़ जारी की है, तारीफ काबिल है। पुलिस ने अपने जो है बिल्कुल सराहनीय कार्य किया है और पुलिस जिस तरीके से आज कार्य कर रही है, जोधपुर जिला जो है राजस्थान में ये कह सकते हैं कि अपराधों में सबसे ग्राफ नीचे है। ये बड़ा सौभाग्य योग्य कदम है कि आप अपने क्षेत्र के सभी शराब की दुकानों को चेक करें, सभी दुकानें बंद हो चुकी हो। एक एक थाना एरिया में कम से कम 25 से 30 के करीब शराब की दुकानें होती है। ये संभव नहीं होता कि सभी दुकानों पे एक साथ निगाह रखी जाए। ये बात भी सही है कि सभी शराब की दुकानें 8 बजे बंद हो जाती है और दूसरी ओर खुली भी रहती है, ये भी मैं मानता हूँ। या तो किसी खिड़की से पीछे के दरवाजे से शराब की बिक्री जारी रहती है। उन शराब की दुकानों के आसपास में जिसकी भी दुकानें हैं, घर है या किसी भी रूप में उनका आना जाना वहाँ पर है, मैं उनसे भी इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूँगा कि उसकी सूचना आप हम तक जरूर पहुंचाएं। इंसिडेंट के पहलू में मैं आप सभी लोगों से, खासकर कि इसमें जो भंडारे से संबंधित लोग होंगे, उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी जगह आपके एरिया में भंडारे लगे हैं या भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां पर भंडारे वाले लोग खास करके जगह पर्याप्त रोड पर बना दें ताकि कोई वाहन अगर आए जाए और ओवर स्पीड में गिरे तो किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो। साथ साथ आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि काफी लोग यहाँ पर प्रबुद्ध नागरिक गण है, कई लोगों का NGO भी चलता है, यदि जो पदयात्री हैं उनके बैग्स पे या हाथ में आप लोग रिफ्लेक्टर लगाने की कार्रवाई कर सके तो उससे रात में, क्योंकि ये चलते हैं तो दूर से दिखेंगे, एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी, तो एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु भी कम होगी। राष्ट्रपति भवन में डिनर का कार्यक्रम। सऊदी के प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी क्राउन प्रिंस ने मुलाकात की। पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों से मुलाकात उनकी रही। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पत्रकारों से भेंट भी की और वाइस
सभी के साथ भी भेंट की। भारत 24 न्यूज चैनल की वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत भी इस दौरान वहां मौजूद रही। इसके अलावा पत्रकारों में सुशांत सिंह, समाचार एजेंसी के एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश भी वहां पर मौजूद रही। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई सैट योजना के तहत टाई राजस्थान की ओर से स्मैशअप के सातवें संस्करण का आयोजन किया गया। 21 और 22 सितंबर को जयपुर में होने वाले स्टार्टअप प्रतियोगिता में देश भर से युवा माफ कीजिएगा भाग लेंगे। झालाना स्थित टेक्नोहब में टाई स्मैशअप 2023 का पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर टाई राजस्थान की प्रेसिडेंट डॉक्टर शीनू झवार, टेक्नोहब के एडमिन ओपी जांगेट, स्मैशअप के संयोजक निशांत पाटनी, सह संयोजक शरद बंसल, टाई राजस्थान के कार्यकारी निदेशक अरुण पारेख और आई स्टार्ट के मेंटर राकेश भी उपस्थित रहे। टाई स्मैशअप के आयोजकों ने बताया कि 21-22 सितंबर को जयपुर में एक मंच पर स्टार्टअप और संस्थागत निवेशक मौजूद रहेंगे। ये सभी सीरियस स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री से जुड़ने का सीधा अवसर मिलेगा और उन्हें निवेशक भी उपलब्ध हो सकेंगे। हम लोग एक इकोसिस्टम पार्टनर इवेंट स्मैशअप लेकर के आ रहे हैं। इस बार 7th एडिशन है और कन्वीनर हमारे निशांत पाटनी एंड को कन्वीनर शरद बंसल, ये लोगों ने मिलकर के पूरी कमेटी ने और बहुत ही अच्छा इस बार का 2 दिन का इवेंट प्लान किया है। ये हर साल हम करते हैं जिसमें कि स्टार्टअप्स अपने पिचेस देते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एंड दे कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो ये कोई एक स्टेट लेवल नहीं, बहुत ही गर्व की बात है कि एक नेशनल लेवल इवेंट है। कोटा के ताथेड़ में पति ने पत्नी के शक के चलते गला दबाकर हत्या कर दी। पति को यह शक था कि पत्नी किसी से फोन पर बात करती है, इसी को लेकर गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। एक दिन तक महिला का शव कमरे में पड़ा रहा। जब लोगों को इस चीज की जानकारी लगी तो पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मीना मालवा का विवाह ताथेड़ निवासी कन्हैयालाल से साल 2014 में हुआ था। कुछ दिनों से पति कन्हैयालाल अपनी पत्नी पर शक कर रहा था। पत्नी को किसी से फोन पर बात करता देख गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी कन्हैयालाल की तलाश में जुटी है। ये ताथेड़ निवासी कन्हैयालाल, इसकी शादी हुई थी 2014-15 में मीना ठाकुर, जबलपुर एमपी की है, और जब से इसी के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची 7.5 साल की है, दूसरा बच्चा 4 साल का है। इनके बीच में कोई शकसुबा को लेकर के इनका झगड़ा होता रहता था। 9 तारीख को शाम को जब ये फैक्ट्री से प्राइवेट जहाँ भी जॉब करता वहाँ से घर आया, फिर इनको कोई शक की बात पर झगड़ा हुआ, उसमें पति ने पत्नी का गला दबा दिया और उसकी डेथ हो गई, जिसकी सूचना हमें कल सुबह मिलने पर वहाँ पर मौके पर गए, वहाँ से फिर डेड बॉडी को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए थे। खबर जोधपुर से है, जहां मंदिर के पुजारी से मारपीट के मामले में देरी से एफआईआर दर्ज करना सूरसागर थाने के एसएचओ को महंगा पड़ गया। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल सूरसागर थाना क्षेत्र के बैजनाथ महादेव मंदिर परिसर में कुछ युवकों ने पुजारी पर हमला कर दिया था। इसके बाद घायल पुजारी को मथुरादास माथुर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। घटना शनिवार की थी लेकिन मामला रविवार को दर्ज हुआ था, इसी देरी के चलते एसएचओ लाइन हाजिर किया गया। इस पूरी घटना का जायजा लिया संवाददाता राजीव कौर ने। मैं आडो खोलियो, खोल तो क्या कहीं करो, मैं भाई बैठो हूँ ना, मैं होता हूँ वो आप तो चार जन आए थे, लगियान धारियान ठोकना शुरू कर दियो, कोई बतायो कोई करियो दौड़ो, मैं ऐटो फटको तो आगे थोड़ो दौड़ियो लारू पते भले लगियान मोरा रमो ठोकिया जोरदार। पुलिस ने कहा कि थोड़े रमो यहाँ पर दर्ज करा दी तो मैं तन जान से मार दूँगे, आज धमकी दे गया और ठोको पिंजो करियो छेनो गले रमो रुद्रा एक मुक्की लेन सौदे मुक्की रुद्रा से मलाऊँ ही वे तोड़ दिन हाथ बाढ़ या धारिय वो ये आटे फ्रैक्चर है। शाम को 8:30 बजे की घटना है। पुजारी जी ये मंदिर में थे, ये सरकारी नौकरी भी करते हैं लेकिन मंदिर में भी पूजा करते हैं, और उस समय इनके कोई पारिवारिक की कोई मामला है उसी को लेके इनके परिवार के इनके जाति के लोग हैं, 3-4 लोग आए और इनके साथ मारपीट की है, जिससे इनके काफ़ी चोटें आई है, हाथ में भी है, पैरों में भी है और पीठ पे इनके चोटें हैं, और वो अभी एडमिट है, टीम बनाई हुई है और उसके प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान की पुलिस को साफ कह रखा है कि अगर थाने में कोई भी व्यक्ति आए, पीड़ित आए, उसकी तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मगर जोधपुर के सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र में एसएचओ दिलीप सिंह और उनकी टीम के द्वारा
जिस तरीके से पुजारी कैलाशनाथ पर हमला हुआ उसकी FIR दर्ज करने में देरी की गई, उसके चलते आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आए। उसके कारण जिस तरीके से DCP गौरव यादव ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो वहाँ के SHO हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है, और फिलहाल देखिए कि जिस तरीके से अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहे जो कैलाशनाथ है, जो पीड़ित है, इनका साफ तौर पर कहना कि कोई रंजिश नहीं है। हालांकि पुलिस ने इसको रंजिश बताया, मामले की पड़ताल चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इस तरह का हमला हुआ है, घर में घुस करके जिस मारपीट हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस ने अब समय पर एक्शन नहीं लिया तो खतरा और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि लंबे समय से ये सरकारी नौकरी के साथ साथ पूजा पाठ का भी काम करते हैं। पुलिस हालांकि टीमें बना चुकी है अलग अलग और कोशिश आरोपी गिरफ्तारी की करने की चल रही है, लेकिन अब अन्य जो जितने भी पुलिस के थानाधिकारी हैं और जो पुलिस चौकी का स्टाफ है उनको सबक जरूर मिल जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में FIR दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। कोटा के कोटवड़ी में एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को MBS अस्पताल में एडमिट करवाया गया। परिजनों ने बताया कि आधा दर्जन बदमाशों ने रमन पांचाल को हफ्ता वसूली के लिए धमकाया और रमन के साथ मारपीट कर चाकू से उस पर हमला किया। गुमानपुरा पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो इनसे जबरदस्ती 5,000 रुपये हफ्ता वसूल के आए थे, इनसे झगड़ा किया। इसके पहले भी लगी थी, पहले भी उन्होंने मारा था, तो रिपोर्ट करा दी नहीं थाने में। उसके बाद में अरेस्ट नहीं हुए थे, तो समझौता का दबाव डाल रहे थे कि राजीनामा करो। इन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से भी कहा, फिर बाद में कि हम तो हमला करेंगे। फिर काउंटर पर पहुँच के दोबारा कि तू तो रिपोर्ट वापस ले रहा कि नहीं ले रहा, नहीं तो हमला करेंगे तुझे। तो कल रात को फिर हमला कर दिया इसके ऊपर। राज्य सरकार ने गंदगी, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण इत्यादि से मुक्त करने के संबंध में कार्यों की जानकारी देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में एक्शन प्लान पेश किया। इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी है। एक्शन प्लान पर न्यायमित्र विमल चौधरी ने कहा कि सरकार ने कागजों में पिंक सिटी को दुबई बना दिया, लेकिन वास्तव में धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई हो ही नहीं रही। तो वहीं एक्शन प्लान में कामों की जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ जंक्शन में रुक्मणी देवी सुखराम सहू चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम सहू और राजेंद्र स्वामी की ओर से शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। प्रेम सहू ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से 11 विद्यालय चिन्हित किए गए जिसमें शौचालय नहीं है और ऐसी हालत में जो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है कुछ सराह से है। इससे विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहू ने बताया कि चिन्हित विद्यालयों में से करीब 4 विद्यालयों की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि शेष विद्यालयों में भी दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी होने पर इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं में से करीब 10% छात्राएं हर साल विद्यालय को इसीलिए छोड़ देती है कि उसमें शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होती। इसी के साथ ही मुहिम शुरू करने का विचार मन में आया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भी शामिल था। आज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया रोड पे लड़कियों के लिए बाथरूम की जो मुहिम शुरू की हुई है उसका हमने शिलान्यास किया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बाथरूम की, लड़कियों के बाथरूम की ख़ास तौर से हालत ख़राब है। बच्चियां प्रॉपर तरीके से उनका यूज नहीं कर पा रही थी, तो हमने ये एक मुहिम शुरू की है और आज ये दूसरा यहाँ से बाथरूम शुरुआत की है, उसकी नींव रखने का कार्यक्रम था आज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान को अचानक जोधपुर के एक मिठाई की दुकान के बाहर देखा तो लोग सेल्फी लेने और ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़े। इस पर गाड़ी में बैठे ही यूसुफ ने अपने फैन के साथ फोटो भी खिंचवाई और समोसा जलेबी का स्वाद भी चखा। दरअसल इन दिनों यूसुफ पठान जोधपुर में अपनी पत्नी और परिवार के साथ आए हैं। यूसुफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फैमिली के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट की एक फोटो भी पोस्ट की जिस पर लिखा फैमिली टाइम। यूसुफ अपने दोस्तों बेटे व पत्नी के साथ घूमने आए हैं। बता दें कि पिछले वर्ष इन दिनों यूसुफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए जोधपुर आए, उस समय भी उन्होंने जोधपुर के फूड की काफी तारीफ की। आज भी सुबह रेजिडेंसी रोड से जनता स्वीट होम पहुंचे यूसुफ आफरी ने जोधपुर का समोसा, जलेबी, रबड़ी की कुल्फी, आलू छोला टिक्की, पानीपुरी के साथ खमन व सीताफल आइसक्रीम भी ऑर्डर की।
आगे बढ़ते हैं। पाली से अगली खबर है, तस्करी के खिलाफ 5 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस एक्शन बोर्ड भी नजर आ रही है। पुलिस के अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देशन में जिले के 8 थाना पुलिस में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में डीएससी टीम भी शामिल रही। अवैध डोडा पोस्त तथा अफीम के दूध के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस में सवार 2 यात्रियों को 4 किलो 300 ग्राम चांदी की उनसे बरामद की गई। दरअसल बस में यात्रा कर रहे 2 लोगों से 10 लाख से अधिक की राशि भी जब्त की गई। जिले के देसुरी, सादड़ी, खिमवाड़ा, सांडेरा व गुडा एंदला थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निजी बसों की भी चेकिंग की गई। रूपवा क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित गांव खान सुरजरापुर पर देर रात हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक दोनों परिवार खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे थे, इस दौरान ये भीषण हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में 2 परिवारों के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल है। इस घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी बनी सिंह जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद थानाधिकारी ने आनन फानन में कार सवार सभी लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया। इसके बाद सभी को निजी वाहन से अस्पताल एडमिट करवाया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को रूपवास थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। जानकारी के अनुसार बस और कार की भिड़ंत में मरने वाले युवक रिश्ते में साधु लगते हैं, जो 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे अपनी कार से धौलपुर से श्याम बाबा के दर्शन करने खाटू श्याम के लिए गए। लौटते समय नेशनल हाईवे संख्या 123 पर अचानक ही हादसा हो गया। घटना के बाद पुलिस ने सीएससी पहुंचकर मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घायलों को उपचार के लिए भरतपुर भेजा गया। कार में 2 परिवारों के 9 लोग सवार थे, तो वहीं हड़ताल थी और इस वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पुलिसकर्मियों ने लेकिन अपने फर्ज को अदा करते हुए स्वयं की गाड़ी से मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे संख्या 123 पर आवारा गौवंशों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसके चलते वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस हादसे में 6 लोगों के अलावा 2 सांडों की भी टक्कर के चलते मौत हो गई। शाहपुरा में चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया, जहां चोर आदित्य मोबाइल की दुकान पर रोशनदार तोड़कर अंदर घुसे और सीसीटीवी कैमरे को बंद कर वारदात को अंजाम दिया। इसी के साथ दुकान संचालक दलीचंद गुर्जर ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान में रखे 12 स्मार्टफोन और 8 कीपैड मोबाइल सहित 50,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। इसके अलावा अन्य मोबाइल एक्सेसरी भी चोर चुरा ले गए। इस दौरान घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। खबर जयपुर के झोटपाड़ा से है, जहां बालाजी झुंझार जी धाम से विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। महायज्ञ का आयोजन 11 सितंबर से 14 सितंबर तक किया जाएगा। इसको लेकर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाई, एक साथ मंगल गीत गाते हुए महिलाएं निकली और सर पर कलश धारण करके इस कलश यात्रा का हिस्सा वो बनी। महायज्ञ को लेकर विशाल कलश यात्रा की ये सुंदर तस्वीर। नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने दोषी को 5 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जेल भेजने के आदेश दिए। अदालत ने अन्य धाराओं में भी इस पर जुर्माना लगाते हुए सजा अलग अलग सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को थाने में प्रार्थी ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी शाम को घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी उसको उठाकर सरसों के खेत में ले गया और उसके साथ मारपीट की, उसका मुंह बंद कर दिया और जैसे ही परिजनों की इसकी सूचना मिली तुरंत खेत में पहुंचे, लेकिन परिजनों को आता देखकर आरोपी बालिका को छोड़कर वहां से भाग गया। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वहीं सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। अदालत ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, साथ ही अन्य धाराओं में भी उस पर जुर्माना लगाते हुए कारावास की सजा सुनाई गई। खबर 12 की छिपा बड़ौत से है, जहां पर एक कलयुगी मां एक दिन की नवजात बालिका को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कूड़े में फेंक कर फरार हो गई। इससे पहले कि नवजात के साथ कुछ अनहोनी घटित होती, डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा को सूचना मिलने पर नर्सिंग कर्मी गजेंद्र मालव और राकेश नागर मौके पर पहुंचे और बच्ची का प्राथमिक उपचार कर 12 जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन 12 से भी उसे कोटा रेफर किया गया। उसका उपचार जारी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। मैं तुरंत वहां गया, वहां जाके मैंने बच्चे को देखा, बच्चा जीवित था। बच्चे को कंपाउंडर साहब ने एनआईसीयू में रख दिया था जी, लेबर रूम में।
बार बार में रख दिया था ताकि उसकी सांसें चल रही थी। फिर मैंने जाके हमारे वो तो होनहार कंपाउंडर गजेंद्र जी मालव जो बच्चों के पीडियाट्रिक्स का काम जानते हैं उनको बुलाया, उनसे बच्चे के कैनूला लगवाया, कैनूला लगवा के जो प्राथमिक उपचार दिया और ऑक्सीजन पे बच्चे को कंपाउंडर साहब के साथ बारह शिफ्ट करा दिया और थानेदार जी को बुला लिया था। जयपुर के अजमेर हाईवे पर टोल टैक्स के पास रिलायंस बीपी मोबिलिटी की ओर से एक नए अत्याधुनिक पेट्रोल पंप रतनदीप फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कंपनी प्रबंधक और डीलर दिलीप बड़जातिया ने बताया कि पंप संपूर्ण ऑटोमेटिक है और यहां पर ग्राहकों को एडिटेस्ट फ्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा जो आम फ्यूल के मुकाबले अधिक माइलेज और इंजन का बेहतर ख्याल रखता है। इस पेट्रोल पंप पे ग्राहकों के लिए कन्वीनियंस स्टोर, ट्रांस कनेक्ट, स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही कहा कि शुरुआती तौर पर ग्राहकों को तोहफों की सौगात देते हुए यहां पर डीजल मार्केट दर से 1 रुपए कम रखा गया और जल्द ही यहां पर फास्ट इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हनुमानगढ़ में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जहां किसान सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में किसानों ने कहा कि सरकार ने BT2 के नाम से नरमा का बीज उपलब्ध करवाया था लेकिन मिलावटी बीज होने के कारण करीब 99% किसानों को नरमा की फसल गुलाबी सुंडी के प्रयोग से बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग ने भी किसानों को जागरूक करने की कोशिश नहीं की। कलेक्टर ने 1 सप्ताह पहले समस्या के समाधान का आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। साथ ही कहा कि जब तक दोषी कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।